महमल, क्या क्या आपको भी यही लगता है जो भट्टी साहब कह रहे हैं, कि आप उससे इत्तफाक करती हैं जो एजाज ने अप्रोच दी है उसमें ज्यादा वजन है? नहीं लीना, मैं भट्टी साहब से तो अग्री नहीं करती। जो असल में जुडिशियल इंक्वायरी की जो बात एजाज भी जिस तरह कह रहे हैं ना, जुडिशियल इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। ये मामला जो है ये हम यहाँ पर पहले भी एक घा बात हो चुकी है कि जो एग्जीक्यूटिव के मामला के अंदर जो जुडिशरी जो है जब वो इंटरफेयर करती है तो वो फिर मसाइल होते हैं। आपको याद होगा वो हमने एक घा वो जो मोटरसाइकिल वाली चीज डिस्कस हुई थी, जो जज साहब के कॉमेंट्स बड़े अजीबोगरीब से भी थे, अब वो आपको याद ही होगा अच्छी तरीके से कि हमने वो भी सारे जी जी वो भी हमने सारे डिस्कस किया था। तो बात ये होती है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों में अदलिया का क्या क्या काम है, ये एक पार्लियामेंट की जो चीज है ये उसके थ्रू ही होनी चाहिए। एक तो खैर यहां पर हमें बहुत शौक है कि हर चीज हम कहते हैं कि जुडिशरी के खाते में डाल दो, वो इसके ऊपर फैसला दे। बात ये है कि पार्लियामेंट का अपना काम भी तो कोई होना चाहिए, हमें पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन करना चाहिए, पार्लियामेंटेरियंस को भी ये डिमांड करनी चाहिए कि ये अच्छी इंक्वायरी होनी चाहिए, अच्छी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए कि जिसके अंदर कोई क्या तरीका है उस अच्छी इंक्वायरी का, अनबायस्ड अच्छी इंक्वायरी का। उसके अंदर सुनी था पीटीआई वाले भी हूं उसके अंदर, ये इस तरीके से हो के अक्रॉस कि ये अबाव बोर्ड और इस तरीके से होनी चाहिए कि कोई पीटीआई वाले भी ना कह सके कि जी किसी को फेवर दिया गया या किसी के खिलाफ जो इस तरह की चीजें। तो ये इसलिए पार्लियामेंट के फोरम के थ्रू ही होनी चाहिए। ये जो बात है कि जी अदलिया को बीच में ले आया, मतलब मुख्तलिफ स्टैंडिंग कमेटीज या स्पेशल कमेटीज इसके ऊपर बनाई जा सकती हैं जिसमें तहरीके इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर्स भी। मजर अब्बास साहब, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? देखिए, पहली चीज ये कि इस चीज की क्या गारंटी है कि अगर जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाएगी तो उसको मान लिया जाएगा। अगर मसला हमारे यहाँ तो मसला ये है ना कि इंक्वायरी की फाइंडिंग्स अगर मेरे हक में जा रही होंगी तो मैं उसको मान लूंगा, मेरे खिलाफ जा रही होंगी तो मैं उस पर शक का इजहार कर दूंगा। आप क्या ओवरऑल देखिए, आजम नजीर ताड़ साहब भी दुरुस्त नहीं कह रहे। इसकी वजह क्या है कि आपका आपकी जो एग्जीक्यूटिव है, आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है, वो पूरी तरीके से इस तरह के स्कैंडल्स में इन्वॉल्व होती है। तो बेहतर यह है कि अगर आप 3 से 5 इंतहाई मोतबर क्रेडिबल रिटायर्ड ऐसे ऑफिसर्स जिनकी तारीख रही हो ना करने की, उन पर मुश्तमिल आप कमेटी बनाएं और उनको कहें कि वो इन्वेस्टिगेट करें और उस पर एक कंसेंसस बना लें पार्लियामेंट में, जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं और जो गवर्नमेंट के लोग हैं उस पर उन अफसरान पर इत्तेफाक राय कर लें, उनसे इन्वेस्टिगेट कराएं और अगर इट लीड टू सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस तो क्रिमिनल ऑफेंस की हमेशा इंक्वायरी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू होती है। आप जब भी क्राइम की इंक्वायरी जुडिशियल कमीशन बना के करेंगे वो हमेशा नुकसानदेह होती है। ठीक है, ये बिल्कुल, ये आप पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें, इसमें नुकसान होता है। हमारे पैनल की अक्सरियत का इत्तेफाक यही है कि जुडिशियल कमीशन इज नॉट द राइट अप्रोच टू इट, पार्लियामेंट के फोरम के थ्रू ही होना चाहिए और फिर आगे अगर कुछ क्रिमिनल निकलता है उसके अंदर से तो फिर उसकी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन और उसके ऊपर एक्शन देर ऑफ। लेकिन भट्टी साहब इससे अग्री नहीं करते।